I started after war, deep depression, as subah 6:30 to 7:30 morning hours में आंध्र प्रदेश कोस्ट क्रॉस किया है काकीनाडा का पास, और अभी मॉर्निंग में 8:30 में इसका लोकेशन नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश पर है काकीनाडा का पास, 15 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ काकीनाडा। इसका सेंटर है 17.0 डिग्री नॉर्थ, 82.1 डिग्री ईस्ट। अभी अगला कुछ घंटा पर घंटा में इसका वीक होकर के डिप्रेशन में रूप लेने का चांसेस है, और फर्दर और भी 12 आवर्स में ऑयल मार्क लो प्रेशर होने का चांसेस है। क्रॉसिंग का टाइम में आज सुबह 6:30 का 7:30 का बीच में उस समय विंड स्पीड था 55.65 किलोमीटर पर आवर, लास्टिंग में 75 किलोमीटर पर आवर। अभी हमारा पिछले 24 घंटे का हमारा उड़ीसा में जो रेनफॉल एक्टिविटी हुआ है, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट किया था, हल्का से मध्यम बारिश सभी जगह में बारिश साउथ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट और जॉइनिंग इंटीरियर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और बाकी जिला में कुछ कुछ एरिया में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हुआ। हाइस्ट रेनफॉल हुआ मोहना 14 सेंटीमीटर 142.0 मिलीमीटर गजपति डिस्ट्रिक्ट में है, पारलेखा मुंडी 117.0 मिलीमीटर, नुआगोरा 105.0 मिलीमीटर, बेरहमपुर 99.4 मिलीमीटर, आस्का 97.2 मिलीमीटर, काशीनगर 91.2 मिलीमीटर, पुरुषोत्तमपुर 85.4 मिलीमीटर। इस तरह से हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल मेनली साउथ कोस्टल ओडिशा गजपति गंजाम रायगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट में हुआ, इंटीरियर का रायगढ़ इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। अभी हमारा इसका प्रभाव जो है इसका प्रभाव में अभी हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में स्क्वाली विंड स्पीड 40 to 50 गास्टिंग में 60, साउथ कोस्टल ओडिशा का अलंग एंड ऑफ एरिया में भी 40 और कुछ घंटा तक रहेगा। तो इसका प्रभाव में सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ रहेगा, फिशरमैन को आज 13 तारीख समुद्र जाने के लिए मना है, फिशरमैन को आज 13 तारीख समुद्र जाने के लिए मना है। और अभी हमारा रेनफॉल का जो फोरकास्ट है इसमें साउथ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है, इंटीरियर साउथ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है, बाकी जगह में कुछ कुछ एरिया में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है अगला 24 घंटा में। और हैवी रेनफॉल का वार्निंग है, हैवी रेनफॉल गजपति गंजाम रायगढ़ खुर्दा पुरी मलकानगिरि कोरापुट नवरंगपुर कालाहंडी कंधमाल ये सब डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। 24 आवर्स के बाद अभी कल का रेनफॉल एक्टिविटी फिर कम हो जाएगा, उसमें कुछ कुछ एरिया में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। पोर्ट वार्निंग अभी अलनी गोपालपुर पोर्ट में सिग्नल नंबर 3 है कुछ घंटे के लिए, फिर और बाकी पोर्ट में और वार्निंग नहीं है। हमारा भुवनेश्वर एंड कटक को दोनों सिटी एरिया में हल्का से जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, एक दो स्क्वायर्स करके हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है।